नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से हालत खराब है और इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अगले आधे घंटे तक हम आपको इन तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखाते हैं। एक तरफ जहां पिछले 7 दिनों से जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर आगजनी और लूटपाट मची है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारी मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा सोनीपत जिले के गन्नौर का है, जहां प्रदर्शनकारी गाने की धुन पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 8वां दिन है जाट आरक्षण आंदोलन का, लेकिन शुक्रवार को यह आंदोलन हिंसक हो गया, उग्र हो गया। हिंसा, आगजनी की अलग अलग घटनाएं बीते 2 दिन में देखने को मिली और 7 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, जहां पर नाच गाने का एक कार्यक्रम इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से चल रहा है। जाट आरक्षण आंदोलन की आग में हरियाणा बुरी तरह से झुलस रहा है और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बुरा हाल रोहतक का है, तो जाट आंदोलन का केंद्र रोहतक बना हुआ है। यहां प्रदर्शनकारियों ने शहर को बंधक बना लिया। जाट आरक्षण के रण का कुरुक्षेत्र बन चुका है हरियाणा का रोहतक। आंदोलन किस कदर हिंसा का रूप ले चुका है, इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। बस फूंक दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई। आरक्षण की जिद पर अड़े जाट प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ सरकारी संपत्ति को ही नहीं फूंका, आम लोगों की दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। दुकानों के साथ घरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। जो आंदोलनकारियों का शिकार बन रहे हैं, उनकी आत्मा तड़प रही है, आंखें बरस रही है। उसमें हमारे सामने वाले शोरूम में आग लगी। मैं उठी, रोड पे गई तो देखा हमारे घर की तरफ आगे जा रही है। हमने पुलिस के पास फोन किया, पुलिस कह रही है हमें कोई परवाह नहीं, जलना है तो जलो और मरो, हम नहीं आएंगे। मैं DSP वगैरह सब पुलिस लाइन में पैकअप है, कोई नहीं आया हमें बचाने के लिए। हम सारी रात बैग पैक करके बैठे थे कि कब भागना पड़ जाए, क्या पता। न मेरे साथ पुलिस है, न मेरे साथ प्रशासन है, कोई नहीं आया, हमारे घर जलने लग रहे हैं। इनके सवालों के जवाब किसी आंदोलनकारी के पास नहीं। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने रोहतक में वीटा मिल्क प्लांट को भी फूंक दिया, जिससे अमोनिया गैस रिसाव का खतरा बढ़ गया है। अमोनिया गैस का रिसाव जानलेवा हो सकता है, इसीलिए प्रशासन ने आसपास के इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया है। बेकाबू जाट आंदोलन की सबसे खौफनाक तस्वीर भी रोहतक में ही नजर आई, जहां एक और तो सेना फ्लैग मार्च कर रही है। आंदोलन के मद्देनजर सबसे संवेदनशील रोहतक सबसे पहले सेना के हवाले हुआ, लेकिन इन फौजी बूटों से बेखौफ प्रदर्शनकारी एन उसी वक्त हथियारों के साथ जुलूस बनाकर सड़कों पर घूमते रहे। रोहतक में एक तरफ सेना का फ्लैग मार्च है, तो दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी अपना फ्लैग मार्च अब शहर के अंदर कर रहे हैं। कहने को तो यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है और प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं, लेकिन ये पुलिस लाइन है जहाँ पर सेना के जवान हैं और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हर किसी पर पथराव करते हुए जा रहे हैं, सबके हाथों में हथियार है। इस सूरत में ये सवाल और भी गंभीर हो गया कि आखिर आरक्षण पाने के जुनून में पूरे हरियाणा को आग में झोंकने वाला यह आंदोलन कब शांत होगा। रोहतक में 3 लोग इसी आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्येंद्र चौहान, रोहतक, आज तक।
रोहतक ही नहीं, हरियाणा के 10 से भी ज्यादा शहरों में आंदोलनकारियों के हंगामे से हड़कंप मचा हुआ है। झज्जर, कैथल, जींद का हाल भी बेहाल है। ये रिपोर्ट देखिए। इसी तरह शोलों से घिर गया है पूरा हरियाणा। कैथल के पुंडरी में प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रोडवेज को निशाना बनाया और बस स्टेशन में खड़ी दर्जन भर बसों को आग के हवाले कर दिया। शुक्र है कि बसें खाली थी, वरना आगजनी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। एक और बसें धुंधु कर जल रही थी तो दूसरी ओर जाट आंदोलनकारियों ने पुंडरी के पहवा चौक पर जाम लगा रखा था, जिससे कई घंटे तक न कोई अफसर यहाँ पहुँच पाया और न ही दमकल की गाड़ियाँ। कैथल के दूसरे इलाकों में भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी और दुकानों में भी तोड़फोड़ की। हालात काबू में करने के लिए सेना भी लगातार गश्त करती रही और लोगों को चेतावनी देती रही। जींद में प्रदर्शनकारियों ने जुलाना रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। जींद में भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी संपत्ति रही। रेलवे स्टेशन को आग के हवाले करने के साथ ही रोडवेज की बसों को भी फूंक दिया गया। रोहतक और कैथल के बाद आगजनी की सबसे ज्यादा घटनाएं जींद में हुई। सोनीपत में तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही आगजनी की। आंदोलनकारियों की भीड़ ने जब यहां आग लगाई तो पुलिस वाले भी घबरा कर नदारद हो गए। सोनीपत में भी जाट आंदोलनकारी हुक्का लेकर धरने पर बैठे हैं। हालात को काबू में रखने के लिए सेना के जवान ट्रक में भरकर पूरे शहर में दौड़ रहे हैं, लेकिन मौका मिलते ही प्रदर्शनकारी उपद्रव से बाज नहीं आ रहे। हिसार में प्रदर्शनकारियों ने आर्मी की बस को ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिलता उनका आंदोलन जारी रहेगा। रेवाड़ी में आंदोलनकारी प्राणपुरा गांव में रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग पर धरने पर बैठ गए। इन्हें हटाने के लिए भारी पुलिस बल भेजा गया, लेकिन फिर टकराव को टालने के लिए जवानों को हटा लिया गया। एसपी खुद लोगों को समझाते बुझाते रहे, लेकिन आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। मुस्तैद है हमारी पुलिस, जहाँ जहाँ पर भी हमें सूचना मिल रही है वहाँ जाकर के हम लोगों को समझा रहे हैं, बात बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सरकार ने उनकी बहुत सारी बातें मान ली हैं और विधानसभा में के सत्र में प्रस्ताव लाने की बात भी आ गई है। लोग समझ भी रहे हैं, जाम खुल भी रहे हैं और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि भी किसी को जनमानस को सुविधा न हो। करनाल में भी सेना फ्लैग मार्च कर रही है, फौज के साथ पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। झज्जर में कर्फ्यू तोड़कर प्रदर्शन कर रहे चार लोग सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो गए। गोहाना में कांग्रेस एमएलए जगबीर मलिक की 3 दुकानों को फूंक दिया गया। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के घर में आग लगा दी गई। फतेहाबाद में तहसील दफ्तर में ही आग लगा दी गई। उचाना में 2 ट्रेनों के इंजन में आग लगा दी। रेलवे के मुताबिक शनिवार को हरियाणा में करीब 8 स्टेशनों पर आगजनी हुई। सोनीपत में एक होटल में लूटपाट भी की गई। रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाने की वजह से हरियाणा की इस आग में अब सिर्फ हरियाणा ही नहीं हजारों लाखों मुसाफिर भी शिकार बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हरियाणा के हालात से केंद्र सरकार भी चिंतित है। बीती रात गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जाट नेताओं और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। हरियाणा के जाट आरक्षण की आग शनिवार रात देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह की चौखट तक पहुंच गई। यूं तो केंद्र सरकार और गृह मंत्री होने के नाते राजनाथ सिंह के लिए पहले ही जाट आंदोलन सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन शनिवार रात रोहतक के कारोबारियों ने दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हमारी दुकानों को आग लगा दी है, हमारी बहन माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। ये वो वक्त था जब गृह मंत्री के घर चल रही हाई लेवल मीटिंग में
जाट आंदोलन से निपटने की रणनीति बन रही थी। राजनाथ के घर मीटिंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए अजीत डोभाल, बीजेपी नेता रामलाल, बीजेपी के वरिष्ठ जाट नेता, वायुसेना प्रमुख और सुरक्षा एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। जाट आंदोलन को काबू में करने के लिए शनिवार को सरकार की यह दूसरी हाई लेवल मीटिंग थी। सुबह 10 बजे भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की। इसी दौरान प्रदर्शनकारी भी पहुंच गए तो कुछ समय बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के नेतृत्व में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 50 जाट नेताओं से राजनाथ सिंह ने मुलाकात भी की। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, तो सबसे ये निवेदन किया है गृहमंत्री जी ने भी और हम सब ने कि किसी भी तरह से शांति रहे। सरकार के साथ बीजेपी भी जाट आंदोलन खत्म करने के लिए रणनीति बना रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरियाणा के सभी बीजेपी नेताओं और खासतौर पर जाट नेताओं को प्रदर्शनकारियों से बात कर उन्हें समझाने बुझाने का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।